सरस्वती का मंत्र गायत्री मंत्र है। गायत्री का निष्ठा देवी माँ गुरु का ध्यान करिए। गुरु कौन है? गुरु हमको मार्गदर्शन देने वाला है। गुरु हमारे माता पिता भी होते हैं, गुरु ही परमात्मा होता है। आपके जो भी गुरु हैं अपने गुरु को नमन वंदन करिए, हाथ जोड़ लीजिए। यहाँ पर मस्तक पूजन करें भाई बहन, बाकी सब हाथ जोड़ कर अपने गुरु का ध्यान करें। ओम गुरु नमः गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म। विधायक जी आप आपका कौन सा गांव है भैया? वाह, कौन से गांव से है? पीपल्स आने गए हैं जी। और इनके साथ वाली कहाँ की है? मकरंदापुर। मकरंदापुर गौड़िया। चलो सही, वाह बहुत बधाई है आपके लिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम सब लोग मौजूद हैं यहाँ मकरंदापुर। बैठो 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 बैठो। बेटियों को आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं, जितने भी लोग आए हैं ये हमारे लिए इन सब बेटियों के लिए आशीर्वाद का काम करेगा, क्योंकि भोजीपुरा में पहली बार सामूहिक स्वागत करेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे सभी वरिष्ठ मंडल पहुंच चुके हैं। मंत्र के साथ दीप प्रज्वलन। ओम अगनय नय सुपथ। अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा, कितना बढ़िया था। नहीं लग रहा बहुत बेहतर। पहले कार्यक्रम मुबारकबाद सराहनीय सराहनीय कार्य है ये। सामूहिक प्रशंसा की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए क्या बढ़िया। कम से कम इससे दहेज प्रथा जी, दहेज प्रथा भी, और फिर सरकार सुविधा भी दे रही है। 51,000 दे रहे हैं जो हम लोग लेना नहीं चाहते जी। अब ये लगेगा तो और भी सही रहे। बहुत बेहतर। ठीक है, शुरुआत करी होगी? शुरुआत नहीं होता था जी जी। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता था, लाभार्थी को नहीं मिल पाता। काबिले मुबारकबाद है साहब। चलिए शुरुआत कराओ फिर। जैसा आप सब लोग देख रहे हैं और हम भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लंबे समय के बाद, मैं कह नहीं सकता हूँ शायद इस विकास खंड में ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है और इतने अच्छे ढंग से हो रहा है। ये वास्तव में वर्तमान सरकार, प्रदेश की और जो व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे आयोजन किए। और आज आवश्यकता यह है कि सार्वजनिक रूप से ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। हम बैठे बैठे सोच रहे थे और श्री वीरेंद्र सिंह गंगवार हमको कह रहे थे कि आपका मंत्रालय भी ये काम करता है। ये बात बिल्कुल सही है, हमारा श्रम मंत्रालय भी मजदूर भाई बहनों के बच्चों की शादियां करता है और पढ़ाई में भी पूरा सहयोग देता है। और दुर्भाग्य यह है कि बहुत सी सुविधाओं की जानकारी मिल नहीं पाती है। जैसा आप सबके संज्ञान में लाया गया कि भाई जिस परिवार की वार्षिक आमदनी 2,00,000 रुपए से कम है उनको ये विवाह की सुविधा और सामूहिक विवाह का एक अलग मतलब रहता है। आज यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे समाज के मुस्लिम और हिंदू भाई बहनों के परिवारों की शादियाँ हो रही हैं, एक ऐतिहासिक अवसर है।